बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मूवमेंट्स की टाइप, ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट्स क्या होती हैं? मूवमेंट्स विच अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर नोन एज इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऐसी प्लांट्स की मूवमेंट्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं उनको इंड्यूस्ड या फिर पैराटोनिक मूवमेंट्स कहा जाता है। ये मूवमेंट्स ट्रॉपिक भी हो सकती हैं और नास्टिक मूवमेंट भी हो सकती हैं। पैराटोनिक मूवमेंट्स एक्सटर्नल मूवमेंट्स हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, और इसकी फर्दर फिर टू टाइप्स हैं, एक है ट्रॉपिक और एक है नास्टिक। ट्रॉपिक में जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है वो डायरेक्शनल होता है, और नास्टिक में जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। द एक्सटर्नल स्टिमुलस विच कॉज दीज मूवमेंट्स मे बी लाइट, टेम्परेचर, वाटर, केमिकल्स और ग्रेविटी। एक्सटर्नल स्टिमुलस जो पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट्स करवाने का बाइस बनता है वो लाइट भी हो सकती है, लाइट डायरेक्शनल भी हो सकती है और नॉन डायरेक्शनल भी, किसी एक डायरेक्शन से आ रही हो या किसी भी मखसूस डायरेक्शन से ना आ रही हो। टेम्परेचर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकते हैं डिफरेंट, और ग्रेविटी भी हो सकती है। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट को। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जो इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है वो डायरेक्शनल होता है। ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ रिस्पॉन्सेस दैट रिजल्ट इन कर्वेचर ऑफ होल प्लांट ऑर्गन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। इस ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ट्रोपोस मीन्स टर्न। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है, और इसकी वजह से एक कर्वेचर फॉर्म हो जाता है पूरे प्लांट के ऑर्गन में, कर्व फॉर्म हो जाता है, या तो स्टिमुलस की तरफ, अगर वो स्टिमुलस उसके लिए हेल्पफुल है तो उसकी तरफ कर्वेचर फॉर्म हो जाएगा, बैंड हो जाएगी प्लांट ऑर्गन उस तरफ बैंड हो जाएंगे, या फिर वो स्टिमुलस के लिए हेल्पफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो वो कर्वेचर उस स्टिमुलस से अवे साइड पे फॉर्म होगा। जो ट्रॉपिक है वो ग्रीक वर्ड यूनानी वर्ड से अकस किया गया है, जिसे ट्रोपोस कहते हैं, और ट्रोपोस की मीन्स होता है टर्न। ये हमने पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट की पहली वाली टाइप ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम ट्रॉपिक मूवमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे पास क्या है? मूवमेंट्स विच कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम वन साइड कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ कर्वेचर इन वन डायरेक्शन कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की। ट्रॉपिक मूवमेंट में कोई भी स्टिमुलस जो होता है वो एक जो स्टिमुलस होता है वो एक डायरेक्शन से प्लांट ऑर्गन पे पड़ रहा होता है, वो प्लांट ऑर्गन जो है वो उस साइड पे अपना कर्व फॉर्म कर लेता है, या तो उस साइड पे या फिर उसके अगेंस्ट साइड पे कर्वेचर फॉर्म हो जाता है, और इन तरह की मूवमेंट्स को कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट सच एज रूट एंड स्टेम। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ये ज़्यादातर हमें रूट और स्टेम में दिखाई देती है, और ये जो रूट और स्टेम होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जब हम इसे एक से ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस से कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। अगर हम बात करें रेडियली सिमेट्रिकल की तो वो इस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये कोई भी ऑर्गन पार्ट है, इसको एक पार्ट से डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल हाफ्स डिवाइड हो गए,
इसको दूसरे में करेंगे तो यहाँ पे चार इक्वल हाफ्स हो गए, यहाँ से करेंगे तो भी इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। यहाँ से एक मोर देन वन टाइप से, जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से किसी भी प्लांट ऑर्गन को कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो हम उसे रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। और जो ये हमारे पास स्टेम और रूट्स होती हैं, ये इक्वली डिवाइड होने की सलाहियत रखती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स। स्टिमुलस की बेसिस पे प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, और उनमें उन टाइप्स को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब लाइट और ट्रॉपोस का मतलब टर्न। लाइट की डायरेक्शन में जब कोई भी प्लांट ऑर्गन टर्न हो जाए तो उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब लाइट। फोटो का मतलब लाइट। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब टर्न करना, लाइट की डायरेक्शन में टर्न करना। इट इज़ द कर्वेचर मूवमेंट्स दैट टेक प्लेस व्हेन प्लांट इज एक्सपोज टू लाइट कमिंग ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। जब किसी भी वन डायरेक्शन से लाइट आती है तो प्लांट ऑर्गन जो है वो उस लाइट की डायरेक्शन में मूव कर जाता है अपनी फोटोसिंथेसिस की नीड को फुलफिल करने के लिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इट इज़ इन दिस कर्वेचर मूवमेंट, इफ़ दिस कर्वेचर मूवमेंट इज़ टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर ये कर्वेचर जो फॉर्म हो रहा है ये लाइट की तरफ, लाइट की डायरेक्शन में हो तो उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, और अगर ये कर्वेचर जो है वो लाइट के अगेंस्ट फॉर्म हो रहा है एंड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अगर ये लाइट की डायरेक्शन से अवे फॉर्म हो रहा है तो हम इसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं। ये देखें, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज ड्यू टू लाइट, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज ड्यू टू लाइट इफेक्ट ऑन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। देखें यहाँ पे ये लाइट जो है वो यहाँ पे प्लांट पे पड़ रही है, तो प्लांट जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे देखें, प्लांट की डायरेक्शन थोड़ी नीचे की तरफ है, और प्लांट ने अपना और थोड़ा सा अपने आप को डायरेक्शन को लाइट की डायरेक्शन में कर लिया। यहाँ पे सबसे बेहतरीन आप देखिए, लाइट पड़ रही है और ये जो प्लांट यहाँ पे कब फॉर्म हो रहा है। अब ये बेसिकली क्यों होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे ये जो स्टेम है या रूट है उसकी स्टेम की टिप्स पे मौजूद होता है ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन मौजूद होता है इसे हम कहाँ मौजूद होता है, एपिकल मेरिस्टेम में। ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, और जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये लाइट से सेंसिटिव होता है। ये ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, ये प्लांट में सेल को इलोंगेट करवाता है और प्लांट को डिवाइड करवाता है। अब ये जब लाइट इस ऑक्सीजन पे पड़ती है तो ये लाइट से सेंसिटिव है, लाइट से इरिटेशन है इसे, तो ये लाइट से
अगेंस्ट जो है वो मूव करने की कोशिश करता है, और कहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ जहाँ पे लाइट का एक्सपोजर नहीं है। ये जब यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाता है, जितना भी बन रहा है वो इस वाले ऊपर एपिकल मेरिस्टेम में फॉर्म हो रहा है, और फॉर्म होने के बाद यहाँ पे आके जमा हो रहा है। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी ये जोन ऑफ इलोंगेशन है, यहाँ पे सेल जो है वो जो न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं वो इलोंगेट होते हैं। तो ये इतनी तेज़ी से इसमें ग्रोथ होती है कि ये जो हमारे पास हमारे पास अगर ये सन है, लाइट आ रही है किसी भी एक डायरेक्शन से, तो यहाँ पे हमें अपनी जो स्टेम है वो किस तरफ कर्व होता हुआ, यहाँ पे एक कर्व फॉर्म हो जाता है इस जगह पे, और ये कर्व जो है वो बैंड होके इस तरफ से हमें लगता है कि हमारा जो स्टेम है वो लाइट की डायरेक्शन में मूव कर गया। हालांकि ऑक्सीजन जो है वो लाइट से सेंसिटिव है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे वाली साइड पे जाता है, तो जो कर्व फॉर्म होता है वो लाइट की डायरेक्शन में ही कर्व फॉर्म हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पे प्लांट जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे देखिए यही वही वाला प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कर्व फॉर्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे कर्व फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे पत्ता थोड़ा नीचे है और यहाँ पे पत्ता थोड़ा और अपने आप को ऊपर की तरफ जो है वो लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर सकूँ। ये बात आपने समझ ली। इसके बाद है हमारे पास जियोट्रोपिज्म। इट इज़ द मूवमेंट कॉज्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस। जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब अर्थ, ट्रोपिज्म का मतलब है अर्थ की डायरेक्शन में। जियो का मतलब अर्थ और ट्रोपस का मतलब टर्न। लाइट की डायरेक्शन में प्लांट के किसी भी ऑर्गन का टर्न हो जाना अर्थ की डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो हम उसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म। और इसमें हमें ग्रेविटी का स्टिमुलस मिलता है, कशिश थकल का स्टिमुलस दरकार होता है किसी एक मखसूस डायरेक्शन में। एक होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और एक होता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है ये ज़्यादातर प्राइमरी रूट्स, प्लांट्स की प्राइमरी रूट्स में ऑब्जर्व किया जाता है। जो रूट्स होती हैं हमारे पास, अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक होती है प्राइमरी रूट्स, फिर वो मज़ीद ग्रो करके उसमें से सेकेंडरी रूट्स जो है वो निकलने लग जाती है। तो जो प्लांट होता है उसका जो रेडिकल, सबसे पहले अगर सीड है यहाँ पे, तो सीड में से क्या राइज हो रहा है? रेडिकल। अब रेडिकल में से क्या अराइज होंगी? प्राइमरी रूट्स। तो ये जो प्राइमरी रूट्स अराइज होंगी ये किस डायरेक्शन में अराइज होंगी? हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में अराइज होंगी। और जो प्लोम्यूल अराइज होगा वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट अराइज होगा। तो जो शूट होती हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करती हैं। अब ये बेसिकली क्यों होता है? यहाँ पे भी जो रूट्स होती हैं, देखें आपने अमूमन देखा होगा यहाँ पे जो रेडिकल है वो उसमें इस तरह का कर्व फॉर्म हुआ हुआ होता है।
आप भले से किसी भी डायरेक्शन में सीट को शो करें तो उसमें इस तरह का कर्व, यहाँ पे कर्व आ जाता है, ये कर्व आ गया। ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है ना, ये इस रेडिकल को बेंड करवा रहा है ग्रेविटी की तरफ। अगर ये कर्व नीचे इस तरफ फॉर्म ना हो तो रूट जो हैं वो ऊपर ऊपर की तरफ आ जाएंगी ऐसे ऐसे। अब ये इस तरह से आ जाएंगी तो रूट्स को तो पानी एब्जॉर्ब करना है, तो वो तो नेचर के खिलाफ काम हो जाएगा। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो रेडिकल है ना, यहाँ पे इसमें होती है रूट अपेक्स, और ये जो रूट अपेक्स है इसमें होता है एपिकल मेरिस्टेम। इस एपिकल मेरिस्टेम में होता है ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन होता है ना, ये ग्रेविटी से सेंसिटिव होता है, वही वाली बात। यहाँ पे ये जो है वो ग्रेविटी से सेंसिटिव होता है, तो जब रूट जो है वो नीचे की तरफ रेडिकल जो है वो अराइज होता है, तो ये जो रेडिकल है उसकी उसमें मौजूद जो ऑक्सीजन है वो कोशिश करता है कि मैं ग्रेविटी से अगेंस्ट जाऊँ, मैं ऊपर की तरफ इस तरह से मैं अपने आप को मूव करवाऊँ। लेकिन इस कोशिश में वो ग्रेविटी से बचने के लिए अपने आप को मूव करवा लेता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपने आप को मूव करवा लेता है जोन ऑफ इलोंगेशन में। यहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन है, ये जोन ऑफ अब जब ये जोन ऑफ इलोंगेशन में मूव करवा लेता है तो यहाँ तेज़ी से ग्रोथ होती है, और तेज़ी से ग्रोथ होने की वजह से यहाँ पे आपको एक ऐसा कर्व फॉर्म होता हुआ दिखता है। यहाँ पे कर्व फॉर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है कि इसकी वजह से तेज़ी से ग्रोथ और इलोंगेशन होना शुरू होती है, और यहाँ पे कर्व फॉर्म होता है, और हमें लगता है कि हमारी रूट जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ज़मीन की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यहाँ पे भी जो मामला हो रहा है वो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे लाइट से सेंसिटिव था और यहाँ पे ग्रेविटी से सेंसिटिव। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कीमोट्रोपिज्म की। कीमोट्रोपिज्म, कीमो का मतलब केमिकल और ट्रोपिज्म का मतलब टर्न। कीमो मीन्स केमिकल और ट्रोपस मीन्स टर्न। कीमोट्रोपिज्म इज़ द मूवमेंट इज कॉज ड्यू टू केमिकल, एग्जाम्पल पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल टूवर्ड्स ओवरी ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलस। यहाँ पे वही वाली बात, ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, ये जो स्टिग्मा है ये स्टाइल है ओवरी। इसमें जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, और क्यों जा रही है पॉलन ट्यूब ओवरी की डायरेक्शन में ही क्यों जा रही है, क्योंकि ओवरी जो है वो एक केमिकल सीक्रेट कर रही है जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होती हुई जा रही है अंदर, और फिर यहाँ पे मौजूद एग को जाके फर्टिलाइज कर रही है। और ये जो केमिकल है ये ज़्यादातर कहा जाता है कि कैल्शियम का आयन है, कैल्शियम रिलीज होता है जो अट्रैक्शन का बायस होता है पॉलन ट्यूब के लिए, और पॉलन ट्यूब जो है वो ट्रैवल करती हुई इस पॉलन पूरे एम्ब्रियो ओवरी स्टाइल में से गुजरती हुई ओवरी तक पहुँच कर एग को जाके वहाँ पे फर्टिलाइज कर देती है। ये बात आपको समझ में आ गई? जब आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्या बात है हमारे पास। अब हमारे पास है थिग्मोट्रोपिज्म। ये भी एक ट्रॉपिक मूवमेंट की मिसाल है। देखिए, जियोट्रोपिज्म एक मखसूस डायरेक्शन नीचे की तरफ, उसकी तरफ ज़मीन की तरफ एक खास डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो वो जियोट्रोपिज्म है।
लाइट की तरफ, लाइट जो है वो एक खास डायरेक्शन से पड़ रही है, तो वो फोटोट्रॉपिक मोमेंट है। अब यहाँ पे कीमोट्रॉपिक मोमेंट, ओवरी जो है वो एक खास डायरेक्शन में केमिकल को अट्रैक्ट कर रही है, तो जो पॉलन ट्यूब है वो एक खास डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोस का मतलब टच और ट्रोपोस का मतलब टर्न। थिग्मोट्रॉपिज्म इज़ द कर्वेचर मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। प्लांट के अंदर कर्वेचर फॉर्म हो जाए, और प्लांट के अंदर जो कर्वेचर फॉर्म हो जाए वो किसी भी टच का स्टिमुलस हो, कोई एक खास डायरेक्शन में टच हो किया जाए प्लांट को, तो प्लांट जो है वो उस टच स्टिमुलस की वजह से अपने अंदर कव फॉर्म कर लेता है। इट कैन बी ऑब्जर्व इन ट्विनर एंड क्लैम्बर। ये ऑब्जर्व किया जाता है ट्विनर, ट्विनर और एंड क्लैम्बर। क्लैम्बर मीन्स बेलें, और ट्विनर वो भी बेलों, बेलों को ही कहा जाता है जो ट्विन अराउंड हो जाती हैं मुख्तलिफ रोप के गिर्द, मुख्तलिफ कोई भी उन्हें आप फिजिकल जो है वो ऑब्जेक्ट दे दें तो वो उसके गिर्द जो है वो ट्विन अराउंड हो जाती हैं। व्हेन दे टच द सॉलिड ऑब्जेक्ट द ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज्ड एंड द टेंड। बात यहाँ पे ये रोप है, अगर मैं बात करूँ ये हमारे पास सॉलिड सपोर्ट है। अब यहाँ से हमारे पास कोई भी चीज़ इसको टच करेगी, अब यहाँ पे जब टच करती है ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, वही वाली बात। एक खास डायरेक्शन में तो टच हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं से भी टच हो रहा है। ये रोप से एक खास डायरेक्शन में टच हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है जब इससे टच होता है तो ऑक्सीजन जो है वो नीचे वाली साइड पे जाके जोन ऑफ एलोंगेशन में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे इस वाले रीजन में तेज़ी से ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। और जब तेज़ी से ग्रोथ होने शुरू हो जाती है तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे तेज़ी से ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे कर्व फॉर्म हो जाता है। तो जैसे अपोजिट साइड में ग्रोथ क्यों तेज़ी से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रिटार्ड हो गई, ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही नहीं। अब ऑक्सीजन जो ग्रोथ को प्रोमोट करने वाला है वो अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होगा, तो अल्टीमेटली जब ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ को सहार नहीं पाता, और यहाँ पे ऐसा कॉइल बनता है, और हमारी जो ट्विनर या क्लाइंबर है वो इस रो सहारे के गिर लिपट जाती है, और हमें ये कॉइलिंग होती हुई नज़र आ रही होती है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया पैराटोनिक मूवमेंट की ट्रॉपिक मूवमेंट्स डिटेल में। अब जिसमें हमें एक खास डायरेक्शन में जो है वो चीज़ें मूव करती हुई दिख रही थी, रोप से टच हुआ खास डायरेक्शन में, रोप की एक डायरेक्शन है ना जो उससे टच हुआ लाइट से या ग्रेविटी की वजह से, इनकी एक खास डायरेक्शन है। अच्छा, इसमें में हाइड्रोट्रॉपिज्म भी होता है, इसमें हम हाइड्रोट्रॉपिज्म भी होता है कि हाइड्रोट्रॉपिज्म जो रूट्स हैं रूट्स हैं वो हमेशा, अगर आप पानी है यहाँ पे, तो रूट्स हमेशा अपना रास्ता पानी की तरफ बना लेती हैं। तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म भी किस वजह से है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट की एक मिसाल है पैराटोनिक मूवमेंट की, ट्रॉपिक मूवमेंट की।
और आपको एक मिसाल समझाऊंगी, हमारे पास हम एक वो ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, और बॉक्स में हम छोटे छोटे से हम यहाँ पे सुराख हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम अपने सीड्स को रख देते हैं, तो हम सीड को रख देते हैं। और सीड को जब हम रख देते हैं यहाँ पे, और सीड को यहाँ पे रखने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी मॉइस्चर वाली पानी रख देते हैं, या पानी का फ्लो ज़्यादा होता है इस जगह पे, तो यहाँ से जो रेडिकल होगा वो हमेशा इन सुराखों में से निकलेगा। ठीक है, अल्लाह की निज़ाम देखिए कि रेडिकल इन सुराखों में से मूव करके उस पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्या कुदरत है अल्लाह की। रेडिकल उन सुराखों में से पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऊपर भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसे पानी एक चाहिए अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए, तो वो इन सुराखों में से निकल के अपनी रेडिकल को मूव करवाएगा, कप फॉर्म करेगा, और कप फॉर्म करने के बाद यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट हमें नज़र आएगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नास्टिक मूवमेंट की। नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। इसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती मूवमेंट को करवाने के लिए। इट इज़ द मूवमेंट, इन दिस मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज़ नॉट फिक्स। स्टिमुलस की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन लीव्स एंड पेटल एक्सेट्रा। यही वाली मूवमेंट हमें नज़र आ रही होती है लीव्स में और पेटल्स में। एपिनास्टी, हाइपोनास्टी, फ्लावर्स का ओपन होना, फ्लावर्स का क्लोज होना, इट इज़ डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ, ये भी स्टिमुलस के टाइप्स पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले जो है वो हाइपोनास्टी, एपिनास्टी, लीव्स का सो जाना, लीव्स का जाग जाना। आपने देखा होगा ना, कुछ प्लांट्स को कहते हैं कि रात की रानी है, वो रात के वक्त जो है वो उसके फूल खिलते हैं, क्योंकि उनका जो स्टिमुलस होता है वो रात होती है, डार्क डार्कनेस होती है उनका स्टिमुलस। और जो क्योंकि उनमें जो पॉलिनेशन होती है वो रात रात वाले कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके ज़रिए होती है, तो वो रात के वक्त ही ओपन होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास मूवमेंट है उसमें सबसे पहले है फोटोनास्टी। इट इज़ कॉज बाय लाइट। जो फोटोनास्टिक मूवमेंट है वो लाइट की वजह से कॉज होती है। आपकी लाइट की वजह से फ्लावर्स जो ओपन और क्लोज हो रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी की वजह से, वो फोटोनास्टिक मूवमेंट की एक एग्जांपल है। फ्लावर्स ऑफ निकोटिया क्लोज इन डे एंड ओपन इन नाइट। निकोटिया तंबाकू का जो फूल है, निकोटिया जो है वो तंबाकू के पौधे को कहते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो दिन में क्लोज होते हैं और रात के वक्त जो हैं वो ओपन होते हैं। अब इसमें भी वही वाली मिसाल कि नाइट में ओपन हो रहे हैं और
दिन में क्लोज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि नाइट स्टिमुलस तो है हमारे पास लाइट का और डार्कनेस का, लेकिन वो लाइट और जो डार्कनेस है वो किसी एक खास डायरेक्शन से नहीं है, बस दिन सूरज निकल आए तो ओपन हो जाएंगे, सूरज बंद गुरूब हो जाए तो वो क्लोज्ड हो जाएंगे, या ओपन हो जाएंगे या फिर दिन के वक्त क्लोज्ड हो जाएंगे। तो उसमें किसी एक मखसूस किस्म से टाइप की डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इंटरनली जो है वो सारे फैक्टर्स होंगे, वही होगी कि अगर फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं तो फ्लावर्स ओपन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एपिनास्टी हो रही है, अपर पार साइड पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, अपर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है एंड्रोशियम पे, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है गाय करूला पे, और जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है कैलिक्स पे। तो ये जो फ्लावर है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ऐसे। और अगर फ्लावर जो है वो क्लोज हो रहा है दिन के वक्त तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपोनास्टिक मूवमेंट है, यहाँ पे क्लैलिक्स में ग्रोथ होगी तो प्रेशर बढ़ेगा करोला पे, करोला पे होगी तो एंड्रोशियम पे, एंड्रोशियम पे होगी तो गायनोशियम पे, तो ये हमें क्लोज हुआ हुआ फूल क्लोज हो जाएगा। अंदर से फैक्टर्स वही हैं जैसे हमने पैराटोनिक मूवमेंट में, नास्टिक मूवमेंट में पढ़े थे कि ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कम ग्रोथ हो रही है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लाइट की एक मखसूस डायरेक्शन नहीं है, वहाँ पे इंटरनली जो है वो ग्रोथ को डिस्कस किया था जब हमने नास्टिक मूवमेंट की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में डिस्कस किया था, तो हमने इंटरनली कहा था कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, हाइपोनास्टी हो रही है तो फूल बंद हो रहा है, एपिनास्टी हो रही है तो फूल क्लोज ओपन हो रहा है, वहाँ पे हमने इंटरनली डिस्कस किया था, लेकिन वो ओपन और क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो हमने इंटरनल फैक्टर एपिनास्टी हाइपोनास्टी को डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम इंटरनल फैक्टर के बजाय अब हम लाइट को अलग से डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट में ओपन हो रहे हैं और लाइट में क्लोज हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एपिनास्टी और हाइपोनास्टी का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। थर्मोनास्टिक मूवमेंट, थर्मा ग्रीक वर्ड में, ग्रीक में हीट को कहा जाता है, इट इज़ कॉज ड्यू टू हाइट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, एग्जाम्पल इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। ये जो अगर इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, एक प्लांट है जो बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर हाई हो जाए तो उसकी जो लीव्स हैं वो अप एंड डाउन होना शुरू कर देती हैं। अब जब ये अप एंड डाउन होना शुरू कर देती हैं तो इसमें जो हमारे पास स्टिमुलस है जो उनको मूव करवाने का वाइस बन रहा है, जो उनके अंदर मूव करवा रहा है कि लीव जो हैं वो कभी अपर साइड पे हो जाएं, कभी लोअर साइड पे हो जाएं, कभी हैंगिंग पोजीशन हो जाए उनकी, कभी डाउनवर्ड पोजीशन हो जाए, ऊपर नीचे हों, कभी इस तरह से मौजूद हों वो, कभी वो हमें पत्तियां जो हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे नज़र आएं किसी भी वक्त, और कभी वो बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाए, ऐसे हो जाए नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ हो जाए, कभी वो नीचे की तरफ हो जाए। सेज्मोनास्टिक मूवमेंट, सेज्मो मीन्स टू शेक। वैन द कंपाउंड लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट माइमोजा प्यूडिका इस टच इस कोलेप्स एंड इट्स लीफलेट्स फोल्ड टुगेदर एट्स अंडरगोन अ शॉक, इट रिजल्ट फ्रॉम अ रैपिड लॉस ऑफ टर्गर बाई सेल्स ऑफ दी लीफलेट्स। वही वाली मिसाल जो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई थी, स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में समझाई थी, टर्गर मूवमेंट वहाँ पे थी, यहाँ पे ये नाम इस नाम से है सेज्मोनास्टिक मूवमेंट से। इस वहाँ पे इंटरनली क्या बताया था कि इंटरनली जो है वो माइमोजा प्यूटिका की लीफ को जब टच किया जाता है तो वो जो है वो अपना टर्गर लॉस कर देती हैं और वो नीचे की तरफ जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब अलग से यहाँ पे इन्होंने टच को बता दिया कि टच किया जा रहा है किसी भी
डायरेक्शन से, कोई उसकी एक मखसूस डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी आप टच कर लें वो जो है वो पल्विनस, वो कल मैंने आपको पहले भी समझाया था। यहाँ पे देखिए ये वही वाला लॉस ऑफ पल्विनस हो जाता है, लॉस ऑफ टर्गर हो जाता है पल्विनस के सेल्स में से। यहाँ पे देखिए ये इस वक्त जैसे टच किया तो ये जो पल्विनस है इसमें से पानी निकल के कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, वाटर यहाँ पे आ जाएगा। और इस वक्त जो पत्ती जो है वो इस वक्त सही हालत में दिख रही है, पानी जब नीचे की तरफ आएगा तो लॉस ऑफ टर्गर होगा, और लॉस ऑफ टर्गर होने की वजह से ही पत्ती जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो जाएगी। तो ये सेज्मोनास्टिक मूवमेंट है। अब ये जो सेज्मोनास्टिक मूवमेंट है हमारे पास, ये माइमूजा प्यूटिका की लीफलेट्स में देखी जाती हैं, जो कंपाउंड लीव्स होती हैं। जब लेमिना जो है वो फर्दर सब डिवाइड हो जाता है तो हम उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। जब लेमिना फर्दर सब डिवाइड हो जाता है, लेमिना जो है ये सिंपल लीव है, और ये सिंपल लीव जो है वो मज़ीद छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। इस कंपाउंड लीफ को जब छूते हैं, टच करते हैं, तो ये नीचे की तरफ, ये जो कंपाउंड लीव है ये कंपाउंड लीव है, ये दूसरी कंपाउंड लीव है, तीसरी कंपाउंड लीव है, ये स्टॉक के ज़रिए जुड़ी हुई है। अब इस के ये जो ये वाली लीव है इसका ये स्टॉक है, और इस स्टॉक को हम कह रहे हैं पल्विनस। अब ये पल्विनस जो है वो जब इसे टच किया जाता है तो इसका जो टर्गर है वो नीचे की तरफ चले जाता है। तो अब ये जो लीव्स नीचे पानी का प्रेशर, टर्गर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है लोअर साइड में, तो ये अपने साथ लीव को लेकर ड्रॉप डाउन हो जाती हैं, और जो लीव्स हैं हमें ऐसे छुई मुई जो है वो ऐसे कोलैप्स होती हुई दिख जाती है। इस वक्त ये इस फॉर्म में, आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। एक अब है हमारे पास निक्टिनास्टिक मूवमेंट। निक्टोस का मतलब होता है नाइट या स्लीप। बीन प्लांट्स, सोयाबीन के प्लांट्स एंड मैनी अदर मेम्बर्स ऑफ द लेग्यूम फैमिली, लेग्यूमिनस फैमिली जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है उसमें होता है बीन प्लांट। वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेते हैं इवनिंग में और रेज दैम टू हॉरिजोंटल पोजिशन इन द मॉर्निंग। ये वाली देखें कितनी अच्छी एग्जाम्पल है हमारे, ये वाले पौधा जो हमें नज़र आ रहा है ये जो है वो रेज कर लेते हैं दिन में और क्लोज कर लेते हैं शाम के वक्त। दीज मोमेंट्स आर कॉल्ड स्लीप मोमेंट्स विच आर पावर्ड बाई डेली चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल्स ऑफ द लीव्स। वही वाली बात कि टर्गर प्रेशर में जो है होता है वो डेली चेंज होता है, और डेली चेंज होता है जब फुल टर्जिड कंडीशन होती है किसी भी पौधे में, तो वो दिन के वक्त जो है वो उसकी पत्तियां इस तरह से रेज हुई हुई होती हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती हैं, और जब टर्गर लॉस हो जाता है, टर्गर प्रेशर उसमें से लॉस हो जाता है, तो पत्तियां जो है वो नीचे की तरफ इस तरह से स्लीपिंग कंडीशन में नज़र आती हैं। हम समझते हैं पौधा जो है वो सो गया है, लेकिन वो डेली लॉस और गेन ऑफ टर्गर हो रहा होता है। टर्गर प्रेशर वो दिन के वक्त टर्गर प्रेशर ले लेती हैं, और टर्गर प्रेशर क्यों ले लेती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रही होती हैं, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से पोटेशियम भी ले लेती हैं, और दूसरा वो कार्बोहाइड्रेट बना रही होती हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी जब उनके अंदर आ जाता है तो वो टर्जिड हो जाती हैं और अपने आप को रेस करवा लेती हैं ऊपर की तरफ, और जब फिर वो दिन रात के वक्त जब उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो वो जो भी उन्होंने पानी लिया हुआ होता है वो वापस से
लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से वो हमें इस तरह से स्लीपिंग कंडीशन में नज़र आती हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट कॉज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच। अब यहाँ पे जो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है ये टच के स्टिमुलस की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पे जो टच है वो किसी खास डायरेक्शन में नहीं है। आप ऑब्जर्व्ड इन मैनी इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये बहुत ज़्यादा इंसेक्टिवोरस प्लांट में ऑब्जर्व किया जाता है, इन विच टच कॉज द मूवमेंट, जिसकी वजह से जो है वो पत्तियों को या लेमिना में, या ये देखें पिचर प्लांट है, ये पिचर प्लांट है। अब पिचर प्लांट में कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से कोई भी पर्टिकुलर जैसे टच हो जाए उसकी, इस लेमिना जो पिचर में कन्वर्ट हुआ हुआ होता है, तो ये जो है वो जो लीव है वो उस जो पिचर में कन्वर्ट हुई हुई है उसका ये जो लिड होता है, ये जो हमारे पास पिचर दिख रहा है यहाँ पे, हमारे पास इसमें यहाँ पे लिड लगा हुआ होता है, वो कोई भी इंसेक्ट अगर जाए तो फिर ये लीव जो पिचर है इसका लिड जो है वो इसको कवर करके इसको अंदर पेप्सिन होता है यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेता है। ये देखें पिचर प्लांट है, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, लेमिना जो होता है वो सब डिवाइड हो जाता है दो इक्वल हाफ्स में, और यहाँ पे टीथ होता है, और ये जो होता है लेमिना ये मूवेबल लेमिना होता है, ये ओपन और क्लोज हो सकता है। तो जब भी कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो ये इस तरह से क्लोज हो जाते हैं, और ये इस तरह से इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर बंद हो जाता है। ये इसको लेकर मूवेबल हाफ्स होते हैं, ये मूव करके इसको क्लोज कर लेते हैं और अंदर मौजूद पेप्सिन जो है वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है। याद रखिएगा कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है। द डिस्टिंक्टिव फीचर इज दैट इन केस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म प्लांट पार्ट टचेस द ऑब्जेक्ट। अब इसमें इन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि जब प्लांट टच करे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, सही, प्लांट पार्ट टच कर रहा था, यहाँ पे प्लांट पार्ट टच कर रहा था पर्टिकुलर ऑर्गन को, जब प्लांट पार्ट टच करे तो वो है थिग्मोट्रोपिज्म। प्लांट पार्ट टच करे तो वो है थिग्मोट्रोपिज्म, और कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसेक्ट टच करे प्लांट को तो वो है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। यहाँ पे इंसेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट टच कर रहा है तो ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है, और अगर प्लांट इट्सेल्फ किसी रोप को या किसी और चीज़ को टच करे तो वो है थिग्मोट्रोपिज्म या ट्रिगर मूवमेंट। तो आई थिंक आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक समझ आया हो तो हमें फीडबैक दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।